ठीक है, मिक्सचर हमारे पास क्या होते हैं? मिक्सचर इज समथिंग दैट यू जिस जो हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स इकट्ठा मिक्स करते हैं, इकट्ठा हल करते हैं, उसको मिक्सचर कहते हैं। हमारे पास सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। और सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन जो है बाज़ुकात सॉलिड लिक्विड या गैसेस को मिक्स करने से वो हमारे पास विजिबल होते हैं, हमें उसके ज़रात नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन बाज़ुकात कुछ पार्टिकल्स सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो डिसॉल्व होने के बाद जो है डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे पास सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस जैसा कि शुगर हो गए, साल्ट हो गए, जब उन्हें हम वाटर में, चीनी या नमक को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास एक क्लियर मिक्सचर बनाते हैं, जिसके क्लियर मिक्सचर मींस हमारे पास उसके पीछे कोई जरात नजर नहीं आते। ठीक है, उस इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन का नाम देंगे। नेक्स्ट इज द सोल्यूशन किन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? सोल्यूशन दो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट वो होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, जो आउटसाइड से हम चीज सब्सटेंस जो आउटसाइड से हम ऐड करते हैं, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सोल्यूट। और वो लिक्विड जिसके अंदर इसको डिसॉल्व किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, अब नीचे जो एग्जाम्पल दी हुई है उसमें हमारे पास शुगर जो है हमारे पास सोल्यूट होगा जिसको हम बाहर से ऐड करें। ठीक है, इसको हम जो है वाटर जो है हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगा जिसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, और ये हमारे पास दोनों मिक्स होके क्या बना रहे हैं? सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट के हेडिंग है कि डू ऑल सॉलिड्स डिजोल्व इन लिक्विड्स। क्या तमाम सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाते हैं? ठीक है, अब इसका आंसर क्या है कि कुछ सॉलिड्स जो हैं वो लिक्विड में डिजोल्व होते हैं और कुछ जो हैं वो लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते। अब इसमें हमारे पास डेफिनेशंस आ जाएंगी। वो सब्सटेंस, ठीक है, फॉर सब्सटेंस डज नॉट डिसॉल्व इन अदर सब्सटेंस। ठीक है, जो वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल हो जाएगा। यहाँ पे इनसॉल्युबल की डेफिनेशन अंडरलाइन कर ले, इफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिसॉल्व इन अदर सब्सटेंस इट इज कॉल्ड इनसॉल्युबल। ठीक है, अगर एक सब्सटेंस जो है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल। अब इसकी इनसॉल्युबल सब्सटेंस की हमारे पास एग्जांपल क्या है? सैंड। ठीक है, सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसा कि आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जब हम रेत को मिक्स करते हैं तो रेत जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, उसे जितना मर्जी हिला लोगे वो डिसॉल्व नहीं होते, वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस की डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास। अब आप ये देखें, डिस्कस एंड आंसर। कैन यू थिंक सम ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सब्सटेंस विच आर डिसॉल्युबल इन वाटर? ठीक है, आप लोग देखें कि अगर आप लोगों ने, अब मुझे कल जो है बताना है के कुछ ऐसी एग्जांपल्स डेली लाइफ से जो कि वाटर में डिसॉल्व हो सकती है शुगर और सॉल्ट के अलावा। ठीक है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते सैंड के अलावा। ठीक है, आप लोगों ने उसकी 5-5 या 3-3 या 5-5 जितने भी आप लोग को याद रह जाए। ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनिमम 3। ठीक है, तीन तीन सब्सटेंस सॉल्युबल सब्सटेंसेस के और तीन सब्सटेंस जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के आपने लिख के रखने हैं ताकि मैं आप लोगों से कल पूछ सकूँ। ठीक है, डस गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। अब इसमें अगला टॉपिक है कि क्या गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व होती है या नहीं होती। ठीक है, कुछ गैसेस जो होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं वाटर में, जैसा कि लिविंग थिंग्स जो है वो वाटर में रह रही होती हैं, जैसा कि फिश हो गए और अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो वाटर के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है, जो पानी के अंदर जानवर रह रहे होते हैं वो सारे जो है जिंदा होते हैं। वो जिंदा किस बेस पर रहते हैं? जब ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। ठीक है, वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन, अब वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना, H
H2O, ठीक है, वाटर का ये फॉर्मूला होता है H2O। अब इसमें दो मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का पाया जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से जो है ना, जो पानी में जो दूसरी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो जो है जिंदा रहते हैं, ठीक है। और दूसरा देखा जाए तो हमारे पास अगली एग्जांपल है कि फिजी ड्रिंक्स, ठीक है। फिजी ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कोक हो गया, स्प्राइट हो गई और दूसरी ड्रिंक्स हो गई, इनके अंदर भी गैस को जो है वो प्रेशराइज्ड की फॉर्म में जो है उसे डिसॉल्व किया जाता है। गैस फिजी ड्रिंक्स में जो डिसॉल्व होती है, जो फिजी ड्रिंक्स में गैस पाई जाती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिजी ड्रिंक्स में पाई जाती है। अब ये इट स्टेज इन बॉटल अंडर, अब उसको बॉटल के अंदर किस तरह रखा जाता है, बॉटल के अंदर उसे इस तरह रखा जाता है कि अंडर प्रेशर रखा जाता है। जब हम उसका किसी भी बॉटल का या सॉफ्ट ड्रिंक का जब हम कैप को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर रिलीज होता है। प्रेशर रिलीज होने के बाद जो है उसमें से गैस एस्केप होती है, और जो गैस एस्केप होती है तो इसका मतलब है उसके अंदर गैस पाई जाती है, तो गैस निकलती है ना, ठीक है। वो गैस कौन सी होती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर के अंदर जो मैं अगेन रिपीट कर दूं, जो वाटर के अंदर गैस डिजोल्व होती है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन होने की वजह से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर में पाए जाते हैं वो जिंदा रहते हैं। और दूसरा जो है एग्जाम्पल हमारे पास है वो फिजी ड्रिंक्स में गैस की है, फिजी ड्रिंक्स में जो गैस पाई जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। उसको एक प्रेशर के अंडर जो है बोतल में रखा जाता है, ठीक है। जब हम उसका ढक्कन उतारते हैं, ठीक है, जब हम उसका टॉप को टेकन ऑफ कर, व्हेन द टॉप इज टेकन ऑफ, प्रेशर रिलीज्ड, ठीक है, प्रेशर जो है वो रिलीज होता है और गैस जो है एस्केप होती है। ठीक है, अब नीचे डिस्कस एंड आंसर में हमारे पास क्या है कि अगर हम इस फिश को देखें तो कौन है, प्लीज कैमरा को ऑफ कीजिए, अदरवाइज मैं सबको रिमूव करने लगी हूँ। मुझे नहीं ब्लेम कीजिएगा कि फिर मुझे हमें रिमूव किया। मैं क्लास एंड करने लगी हूँ, कल से जो है मैंने सबकी लिस्ट बनाकर ऑफिस में दे देने कि इन बच्चों को मैंने नहीं क्लास में रखना। जल्दी से अपने कैमराज ऑफ करें सारे। उसके बाद है हमारे पास डिस्कस एंड आंसर, ठीक है। डिस्कस एंड आंसर में क्या है कि आप लोग देख रहे हैं कि फिश की पिक्चर है, ठीक है, ये जिंदा किस तरह है। आपने हाउ डू वी नो दैट देयर आर गैसेस सच एज ऑक्सीजन इन द फ्रेश वाटर, ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ के लेकर आने हैं कि एक तो पानी में जो है फिश जो है जिंदा कैसे रहती है, वो तो पता है कि ऑक्सीजन गैसेस की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, लेकिन आपको कैसे पता चलता है कि वाटर में ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि आप लोग जो है ए फ्लोर को और राइस को जब मिक्स कर लें, ठीक है, और उसको सेपरेट कैसे करेंगे, एनी आइडिया कि अब उनको सेपरेट आउट करने के कोई तरीके हो, ठीक है। आज का लेक्चर आपने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो ढूंढकर लिख के रखने हैं।